नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मीना वर्मा है। मीना जी आप कहाँ से आई हैं? मैं आगरा यूपी से आई हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2012 में 1 सितंबर को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? हाँ जी, बहुत साधनाएं करते थे हम। गायत्री परिवार से हम जुड़े रहे 2 साल। इसके बाद साकर विश्वरी, जो अब वर्तमान में नारायण हरि नाम से जाने जाते हैं, वहाँ भी हम रहे 1.5 साल। और इससे जो जगत में चली आ रही हैं पूजाएं, वो भी किया करते थे। व्रत रहना, पूजाएं करना, मणि मसानी पूजना, ये सब करते थे। बहन जी जब आप इतनी साधनाएं कर ही रही थी तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा हम पर ऐसी हुई, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, शिक्षा मित्र पद पर हूँ। मेरे साथ सहायक अध्यापक संत रामपाल जी महाराज की शिष्या, वो मेरे साथ पढ़ाती थी। वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग दोपहर में इंटरवल के टाइम में सुना करती थी और दोपहर की आरती भी सुनती थी, असुर निकंदन। तो मैं उनके पास बैठती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम आप ये आरती हमें लिखवा दीजिए। कि नहीं, हम ऐसे तो नहीं लिखवा सकते। तो मैम जिस दिन मैं नहीं सुनती हूँ, आप नहीं आते, तो मुझे घर पर बहुत सारी प्रेत आत्माएँ दिखती हैं, और ये गणेश जी, पार्वती, शंकर जी, दुर्गे माँ, ये सभी मेरे पीछे पीछे भागते हैं, फरसा लेकर के, तलवार लेकर के। और मैं भागती हूँ, बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, कभी पहाड़ों पर, कभी पानी में भागती हुई जाती हूँ। तो फिर मुझे ज्ञानगंगा दी। ज्ञानगंगा के देने के बाद वो पढ़ी, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान लगा इसमें। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इसमें देवी देवताओं के बारे में ऐसा लिखा है, पर वो पढ़ते गए तो अच्छा लगा। पर उन्होंने मुझे कैसेट ला के दी, लैपटॉप पे सुनती थी मैं, तो मेरे ज्ञान समझ में आ गया। अंदर अंदर से परमात्मा से प्रार्थना करते रहे, हे परमात्मा ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है। और मैं साकर विश्वरी में जाया करती थी, वहाँ भी बताया करते थे वो कि परमात्मा एक है, वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, सर्वत्र वही अपनी सत्ता संभाले हुए है। और मेरे पति जो व्यसन करते थे, बहुत ज़्यादा बियर पीना, तंबाकू खाना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, मैं पूछती क्यों लेट आए, तो मुझे पिटाई लगा देते, इतनी ज़्यादा पिटाई लगा देते, मेरा चेहरा पूरा सूज जाता था। तो मैं बहुत रोती थी, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे पति की ना तो कोई अहमाल छूट रहे और ना ही लड़ाई झगड़ा बंद हो रहा, मात्र पूछने मात्र से ये मारपीट करते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करती रहती, परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया है, हे संत रामपाल जी महाराज मुझ पर इतनी दया करो कि मेरे पति भी इस ज्ञान को समझ लें और वो भी भक्ति करने लगें, सात्विक जीवन जीने लगें। तो ऐसे करते करते एक दिन मैं सत्संग से आई, लौट के साकर विश्वरी में जाया करती थी संडे के दिन। तो जब घर पे आई तो रास्ते में साकर विश्वरी से प्रार्थना कर रही थी, इनका फ़ोन आ गया, उन्होंने सुबह ही पी ली ऐसा लग रहा है, तो वो पिटाई ना करें। उन्होंने आते ही मुझमें एक थप्पड़ दे दिया। फिर मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज मेरी रक्षा तो की नहीं साकर विश्वरी ने, मुझे बस प्रमाण दे दीजिए आप पूर्ण परमात्मा हो। मैंने मात्र पुकारा ही था और इनका हाथ ऐसे रुक गया और मुझमें थप्पड़ नहीं दिया। मुझे विश्वास उसी समय हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और ये पूरी शक्ति हैं। फिर ये गाली गलौज कर रहे थे, हे परमात्मा दया करो इनका मुंह बंद हो जाए, ये ऐसे गंदे शब्द ना बोलें। परमात्मा ने उनका मुंह भी बंद कर दिया और ये घर से कहीं चले गए। भरोसा हो गया था पूरा, परमात्मा ये अब कुछ गलत शब्द नहीं बोलेंगे और ना ही अब कुछ गलत करेंगे, कह के गए थे मैं अब आऊँगा नहीं लौट के। पर मुझे भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर कि ये लौट कर आएंगे। तो मैं ऐसे रो रही थी, हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अब कैसे आऊँ आपके यहाँ, आपकी कैसेट सुनती हूँ तो ये लैपटॉप बंद कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पर नहीं बजाओगी, और आपका नाम लेती हूँ तो कहते हैं कि वहाँ नहीं जाओगी, अब मैं आपके यहाँ कैसे आऊँ। तो ऐसे ही मैं रो रही थी तो परमात्मा सामने मेरे घर में ही मैं लेटी थी, वो एक विंडो है खुली हुई है, वहाँ पे गुरुजी मुझे दिखाई दिए धोती कुर्ता पहने हुए और गले में सोपा डाले। तो मैंने, गुरुजी आप मेरे घर पर, परमात्मा को देख के मैं बैठ गई और ऐसे हाथ जोड़ लिए, हाँ बेटा मैं तेरे पास आया हूँ। तो मैं रोने लगी बड़ी तेज़ तेज़, हे परमात्मा अब मैं आपके यहाँ कैसे आऊँ, बरवाला मेरे पति तो मना करते हैं कि बेटा ये रामचरण बहुत अच्छा है तो मैं मेरे यहाँ पे लेकर आएगा, ये भक्ति कर तुझे करवाएगा, खुद भी करेगा। तो मुझे विश्वास हो गया, फिर परमात्मा उतर के आए सीढ़ियों से और मुझे अपने सीने से लगा लिया, मैं पूरा परमात्मा में समा गई थी। इतना तेजोमय संत रामपाल जी महाराज चमक रहे थे कि यहाँ पे मैं कोई प्रकाश नहीं बता सकती, ट्यूबलाइट जलती है इस तरह की, बहुत सारा प्रकाश था। अब विश्वास हो गया कि परमात्मा आए हैं और उन्होंने कह दिया भक्ति करेंगे। सतलोक आश्रम बरवाला में चली गई और मेरे पति मेरे साथ गए, बोलते गए कि मैं तो सुधरूंगा नहीं, तुम ले तो जा रही हो, पर मुझे विश्वास था परमात्मा जरूर सुधार देंगे। तो वहाँ चले गए, नाम दीक्षा हमने ले ली, मेरे बच्चों ने ले ली। बहन जी क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत भाई साहब, बहुत लाभ प्राप्त हुए हमें सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पति को ये ज्ञान समझ में आ गया, वहाँ की व्यवस्था देखी, वहाँ का जो मेंटेन था भक्तमती एक तरफ, भगत जी एक तरफ, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी, और गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया था उस सत्संग से प्रभावित हुए और मेरे पति देव ने भी नाम दीक्षा के लिए मन बना लिया। गुरुजी ने कहा था कि जो व्यसन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, उनके साथ आपको खाना नहीं खाना है। तो हम और बच्चे एक साथ खाना खाते थे, मेरे पति अलग खाना खाते थे, उनको यह बहुत बुरा लगता था कि अब मैं भी यहाँ से दीक्षा ले लूँगा तो आप लोग मेरे साथ खाना खाओगे? हाँ बिल्कुल खाएंगे, आप गुरुजी से दीक्षा ले लेंगे। तो मैं जब से आई नाम ना ले करके अपने घर, तो
तो मेरे पति ने 8 दिन में ही बिल्कुल बियर छोड़ दी थी, तम्बाकू खाना भी छोड़ दिया था और गुरु जी की चर्चा करते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत घर में शांति हो गई, ऐसे सुख की गंगा सी बहने लगी मेरे घर में। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उन्हें 25 साल हो गए थे सांस की बीमारी को। डॉक्टर्स कहते थे आपको आजीवन दवा खानी पड़ेगी, आप ठीक नहीं हो गए। जब परमात्मा के ज्ञान से प्रभावित हो गए, गुरुजी कहते सभी लोग नाम लें, सुखी हों, अपना जीवन धन्य बनाएं, तो ऐसा प्रयास रहता था, हे परमात्मा मेरे परिवार वाले, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले सभी इस ज्ञान को समझ लें और वो भी आपकी शरण में आ जाएं। तो माँ से बोलती रहती थी, मम्मी चलो आप वहाँ, मेरी बेटी भी कहती थी। तो मेरी माँ को लगा कि ये बार बार बोलती है मेरी बेटी, लाओ ले लेते हैं नाम दीक्षा। तो मन बना लिया था उन्होंने कि मैं जाऊँगी, अब की बार तुम जाओगी सतलोक बरवारा आश्रम में तो मुझे ले चलना। तो इतना उनको बोलने मात्र से उनको दवा नहीं खानी पड़ी। पूरे रात भर हम चले ट्रेन में, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आश्रम में पहुँच गई, मेरी मम्मी को दवा नहीं खानी पड़ी। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने घर पर दर्शन दिए और कहा कि बेटा इस दवाइयों को फेंक दो, इनकी तुम्हें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया घर पर आने के बाद कि जब से दीक्षा लेकर आए तब से मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया और ऐसा बोला है। हाँ मम्मी दवा फेंक दो आप, गुरुजी ने कहा है। तो मेरी माँ ने दवा फेंक दी और मेरी माँ संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा से मेरी माँ की 25 साल पुरानी सांस की बीमारी ठीक हो गई और वो घर का सारा काम कर लेती हैं जो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मेरी बड़ी दीदी के पित्त की थैली पूरी पथरी से भरी हुई थी, तो मैं उनसे बोलती रहती दीदी आप संत रामपाल जी महाराज से आप दीक्षा ले लें, उनके ज्ञान को समझें, आपकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, सबकी बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो बार बार बोलने से दीदी के मन में तो आ गया, जब डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के ये पथरी ठीक नहीं होती और पूरी थैली आपकी भरी हुई है, दीदी बहुत घबरा गई कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो उनको नाम भी याद नहीं रहा था संत रामपाल जी महाराज, हे मीना के गुरु जी मैं आपसे दीक्षा ले लूँगी पर मेरा ऑपरेशन ना हो। तो ऐसा बोलने के बाद हॉस्पिटल में गई और उन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे जीवन का ये पहला केस है कि बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली खाली हो चुकी है, ये तो चमत्कार है, ऐसा कैसे हुआ। तो दीदी के अंदर से विश्वास बढ़ गया कि मीना के गुरुजी ने मेरे पर दया कर दी है और मैं इसीलिए ठीक हो गई हूँ। और रो रही थी कि मैं शंकर जी की इतनी पूजा करती थी, कुछ दया नहीं करी। शंकर जी ने उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बीमारी काट देता, तो फिर आप पूजा क्यों करवा रहे थे। तो बस इतना बोले और शंकर जी उन्हें दिखाई देना बंद हो गए। फिर मेरी दीदी ऐसे गुरुजी से अंदर अंदर से बात करती रही, हे मीना के गुरुजी अब मुझे दर्शन दे दो, दया करो। तो उनको दर्शन दिए, मेरी दीदी ने प्रणाम किया उनको हाथ जोड़कर, तो प्रकाश आ रहा था पर गुरुजी का सिंहासन पीछे हट रहा था, संत रामपाल जी महाराज और कवि साहब उन्हें दिख रहे थे, वो सिंहासन पीछे जा रहा था। पर उन्हें विश्वास हो गया और उन्होंने मेरे से फ़ोन पर बात करने के लिए जिया जी से बोल दिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी थी, कि मैं इलाज कराऊंगी, दर्द बंद नहीं हो रहा है पेट का। तो डॉक्टर ने कहा पित्त की थैली तो आपकी खाली हो चुकी है पर आपकी जो सारी पथरी आहार नाल में जा चुकी है इसलिए आपके दर्द हो रहा है, तो ये तो मैं तार डाल दूंगा। डॉक्टर ने कहा कि तार डालने से ये ठीक हो जाएंगे, सारी निकल जाएंगी। तो मेरी दीदी गुरुजी से अंदर अंदर बात कर रही थी, हे परमात्मा जल्दी मुझे डिस्चार्ज करवा दो और मैं चली जाऊंगी बरवाला आश्रम मीना के साथ, वो जाएगी अब बोल रही थी। तो जीजाजी से बोलकर उन्होंने मेरे से फ़ोन करवाया और मुझे बुलाया, सारी रात सत्संग सुनती रही, पूरी रात बिल्कुल नहीं सोई। जब मैं गई थी पीली पड़ गई थी, पूरा चेहरा पीला, शरीर पीला और ना खड़े होकर चल पा रही थी। सारी रात सत्संग सुनी, थोड़ा सोती थी और सुनती ज़्यादा रहती थी। सुबह वो खुद चल करके वॉशरूम चली गई, नहा भी ली और डॉक्टर ने आकर चेकअप किया कि आप तो ठीक हो, आप जा सकते हो, डिस्चार्ज हो गया, वो घर चली गई। बस दिन में ही वो चली गई, नाम दीक्षा ले ली, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है। काल भगवान उन्हें लेने आया था गेट पे से, जब वो ठीक होकर चली गई घर पे तो वो खड़ा था एक भयंकर सा व्यक्ति गेट पर, उन्होंने डर लग रहा था देख करके, हृदय कंप रहा था। तो उसने उनको उठा लिया और ऊपर ले जाने लगा, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, हे संत रामपाल जी महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे तो कोई ले जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने पुकारा, वैसे उसने वहीं से छोड़ दिया और दीदी वापस अपने शरीर में आ गई। तो दीदी का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, यहाँ तक मल निकल गया था, इतनी भयंकर पीड़ा हुई थी उनको जब वो ले गया था निकाल के तब। पर दीदी को खूब विश्वास हो गया और वो चली गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, आज दृढ़ता से भक्ति कर रही हैं, पूरा परिवार भक्ति कर रहा है। जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया, परमात्मा ने बचा लिया, बेटा का भी एक्सीडेंट हो गया उसको भी बचा लिया, और बेटा बाद एक पार्क में लेटा था, पीछे सांप उनके पैर पर बैठा रहा, उस बेटा ने समझा कि मेरा दोस्त अपना हाथ रखी है। तो जब उसने फुसफुस की आवाज़ करी है तब उसने देखा पीछे क्या है, तो देखा तो सांप, डर के मारे पैर हटाया तो सांप भाग गया पर काटा नहीं। ऐसे आए दिन परमात्मा चमत्कार करते रहते हैं, दया करते रहते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयंकर, मैं टर्न ले रही थी, अब तो एक व्यक्ति ने नया सीखा हुआ था उसने तेज़ गाड़ी मेरे में ठोक दी, मेरी गाड़ी टूट गई आगे से बिल्कुल, देखकर कोई नहीं कहेगा कि मैं कैसे बची, पर मैं हवा में तैरती हुई और थोड़ी दूर जा करके नीचे गिरी। मेरी बस कमर में थोड़ा चोट लगी थी और ये कोहनी छिल गई थी, इतना ही 2-4 रुपये की दवा लेके मैं ठीक हो गई, बस पट्टी करा ली थी। परमात्मा ने बहुत रजा करी। मेरी बेटी के 3 एक्सीडेंट हो गए नामदान लेने के बाद, बुलेरो वाले ने बेटी उतरी स्कूल की वैन में से, दूसरा बुलेरो वाला आ रहा था उसने बेटी की कमर में धक्का ऐसी एक्सीडेंट दिया कि मेरी बेटी बहुत तेज दूर गिरी, मैं छत पे थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार गिरी हो कहीं, पर देखा तो मैंने कहा एक्सीडेंट किस में हो गया, देखा तो मेरी बेटी, मैंने बेटा इतनी जोर से लगी तुम्हारे
कि नहीं माँ मेरे तो कहीं नहीं लगी आवाज़, तो बहुत तेज हुई थी। पर संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरी बेटी के एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे कहीं नहीं लगी। और उसके बाद अभी 6-7 महीने हुए हैं कि मेरी ननद गाड़ी चला रही थी प्लेटिना, तो वो भी ले जाती है मेरी बेटी को अपने साथ, तो दूसरा व्यक्ति ने भी ठोक दिया उनको रॉन्ग साइड में, तो मेरी बेटी और वो दोनों गिर गई। तो मेरी ननद की ये टूट गई थी हड्डी यहाँ की, और मेरी बेटी बस बीच रोड पे गिरी और तुरंत खड़ी हो गई। उसने अपनी बुआ को खड़ा किया और जिन लोगों ने, दो लड़कों ने ठोका था उनको खड़ा किया, दो बुरी तरह घायल हो चुके थे। पूरे गांव वालों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा और कहा संत रामपाल जी महाराज की शिष्य आए इसलिए खुशी के कहीं नहीं लगी, और उसकी बुआ की तो बहुत लग गई और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। मेरी बेटी कहीं कोई धक्का अभी तक नहीं हुआ था, मालिक ने दया कर दी, वो ठीक हो गई बिल्कुल। मेरे बेटे ने गाड़ी चलाने लगा छोटी उम्र में ही, 12 साल का था, तो उसके दोस्त ने गाड़ी मांग ली, वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था कवर नहीं कर पाया तो मैक्स वाले ने ठोक दी। तो 200 मीटर तक मेरा बेटा और वो लड़का साथ वाला खचड़ता हुआ चला गया, गाड़ी भी घिस गई और उस लड़के का पूरा चेहरा ये छिल गया, पर मेरे बेटे के मात्र अंगूठे में लगी थी, पैर के अंगूठे में, जो खुद ही गाड़ी चला के लाया घर पर और मुझे उसने बताया। उसका दोस्त 1-1.5 महीने बाद ठीक हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर इतनी दया कृपा की है, संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा से हम 7 बहनों में से 6 बहनों ने नाम दीक्षा ले ली है और हम 6 बहनें सुखी जीवन जी रहे हैं। मेरे माँ बाप को बेटियों के ससुराल की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के जीवन से वो भी सुखी हैं बहुत। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अद्भुत लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर जी, मैं तो उनसे सबसे यही कहना चाहूँगी, आप पढ़े लिखे हो, आप भगवान को पाने के लिए इतने परेशान होते हो, जगह जगह जाते हो, आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों सुने, उनके वचनों को सुने, यूट्यूब पर सुने, टीवी चैनलों पे, कई चैनलों पे आते हैं, उनको सुने, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं और सतलोक जाने का रास्ता क्लियर कर दें संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका परमात्मा ने दे दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कई चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पर बहुत सारे नंबर चलते रहते हैं, कोई भी नंबर आप नोट करें और उन पर डायल कीजिए, फ़ोन कीजिए, वो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बता देंगे, वहाँ पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।